मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम अगर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अम्मा, अरे क्या कर रही हो यहां? मैं काम कर रहा हूं और तुम ठक ठक किए जा रही हो, बंद करो उसे। ये लो, तुम्हें गांव से आए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। हमेशा कहते रहते हो काम सीखूंगा काम सीखूंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तरह बाल पक जाएंगे। भाई मैं तो स्पॉट पर जाना चाहता था लेकिन आपने ही मना कर दिया था। ऐसा क्या? हाँ भैया, आज शाम को ही चले जाओ। ठीक है। वहां जाकर तुम्हें काम क्या करना है पता है ना? तो सीधी तरह काम करके वापस आ जाना, समझ गए ना? समझ गया। मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन इस बीच तुम्हारा कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट तो नहीं है? अपॉइंटमेंट? मैं समझा नहीं। क्या एक्टिंग करते हो? तिरुनगर के बस स्टॉप पे वो लड़की जो मिली थी वो तुम्हें अपना दोस्त बता रही थी? वो कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। ऐसे देखने की क्या जरूरत, बातें करो और आगे बढ़ो। जैसे ही ये उम्र निकल गई ना, उसके बाद कोई लड़की भाव नहीं देगी। अभी भी कौन सी लड़की से भाव देती है? ए भाई, एक काम कर, तू सीधा जाके स्ट्रेट ले और वहां से एक लेफ्ट आता है फिर वहां। सुन रहा है क्या? सीधा जाके राइट लेने का है, चलो जा। सच में बहुत अच्छा दिखता है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया ना? ए, तू तिरुपुर से यहां पर क्यों आया बताना मुझे? स्मगलिंग करके पैसा कमाने के लिए। बोल तो ऐसा रहा जैसे शेविंग करके नहाने के लिए आया है। स्मगलिंग बे, स्मगलिंग। तेरी हालत देखकर मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं तेरे को रास्ता बता रहा हूँ और तू है कि मेरी हजामत कर रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। स्मगलिंग 3 तरह की होती है। कौन से 3 तरह की? बोलता हूँ। लेवल 1 में ऑपोजिट पार्टी को कन्फर्म करने का। चल आ जा। ये लेवल 2 है, कोडवर्ड कंफर्मेशन। मच्छी का सालन। खुशबू लेगा? ये क्या है? कोडवर्ड है। ओ। ए, अरे पुलिस आ गई। ए, क्या ढूंढ रहे हो? सर एक मिनट, सर एक मिनट, क्या हो गया? देखता हूँ सर। पुलिस स्टेशन में साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? जल्दी करो, पुलिस स्टेशन चलना है कि नहीं? सॉरी सर। हेलो। इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज तो सही नहीं लग रही है। कैच। ये थर्ड लेवल। बच्चा रो रहा है, ग्राइप वाटर पिला दो। पेरी दे। ब्लडी क्रिमिनल्स, मैं यहां पहुंच जाऊंगा सोचा नहीं था ना, पकड़े गए बेटा। सर थैंक यू सर। आपने अपना रिकॉर्ड बना लिया? इट्स माय ड्यूटी सर। सर फर्स्ट टाइम उन्हें पकड़ने गया था तो रोड पे फिसल कर गिर गया था। यहां देखिए, यहां कट भी गया है। सी द ब्लडी क्रिमिनल सर। ए, तुम लोग रामदास ग्रुप से हो ना? सर हाँ सर। ए, एड़ा है क्या? मिस्टर नीलकंठ सर, इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए? सर एक हीरे की कीमत मार्केट में लगभग 3 लाख रुपए होगी। ए, ये सब नकली है, इसकी कीमत 20,000 भी नहीं होगी। ऐसे ही इन लोगों को पकड़ लिया। ए, तुम्हारे रामदास को अपने एक्सपीरियंस है, कुछ बड़ा काम करना चाहिए था ना। कितनी बार समझाया तुम लोगों को लेकिन बात भेजे में घुसते ही नहीं। कौन है ये? सर ये हमारी गैंग में नया है सर। तो खुद तो किसी काम का था नहीं, इसे भी अपने गैंग में शामिल कर लिया।
अरे मजा आ गया। इंस्पेक्टर कैसे बोल रहा था, देखना चाहिए था। अबे अब सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? आपका काम छोटा है ये मैं जानता था, लेकिन इतना गिरा हुआ होगा ये सोचा नहीं था। ये 10-10 का काम मैं तिरुपुर में नहीं कर सकता था क्या? यहाँ किस लिए आता? ए, कुछ भी मत बोल। मुझे पूरे 40 लाख रुपयों की जरूरत है, वो जल्दी से कमाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। यहाँ कर दे। तेरी वजह से मैं मुश्किल में नहीं पड़ूंगा, ज्यादा जल्दी है तो चला जाए यहाँ से। आप बोलो ना बोलो तो भी मैं जाने वाला ही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। 20 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, थोड़ा बड़े लेवल का काम नहीं कर सकते थे? फटती है क्या? ए, नीचे बैठ चुपचाप। किससे बात कर रहे हो पता है? ए, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गया, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। शुरुआत कम पैसों से ही होती है, उसके बाद में बड़ी रकम आती है, तुरंत लाखों नहीं मिल जाते, मुझे सिखा रहा है। एक जमाना था जब बहुत पैसे थे मेरे पास। ए, मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, अगर तीसरा आया ना तो मेरी अर्थी सज जाएगी। मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता, बस दाल रोटी चलती रहे बहुत हो गया। अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? इसने जो भी कहा उसके लिए इसे माफ कर दीजिएगा। हमने आज तक आपके लिए सारे छोटे मोटे काम किए हैं, आप इसके लिए बस ये काम कर दीजिए ना, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हाँ जो भी है इसके लिए। बैठो। अरे तेरी ये अपने को ही देख रहा है। ये कौन है इसके साथ? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हेलो, सुनो, आई एम दिनेश। हेलो। इसका नाम जानकी है। ओह, 2 महीने से तुम इसके पीछे पड़े हो, मुझे पता नहीं क्या। ठीक है, जो भी है, इतने दिन से इसे देख रहे होंगे, बात भी की होगी और आपका शादी का भी इरादा होगा। लेकिन एक बात बता दूं, बात ऐसी है कि बहुत पहले ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, समझ गए? तो अगर तुम शक्ति कपूर जैसा इसका पीछा करोगे तो मुझे तो धर्मेंद्र की तरह बीच में आना ही पड़ेगा ना, आखिरी बार समझा रहा हूँ। बोलिए ना, चलो निकल यहाँ से। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, एक बार मुझसे बात कीजिए, उतना ही बहुत हो गया। ए, अरे छोड़ना, अरे पागल अगल है क्या? जाने दे उसे यार, होता है लाइफ में, चल अभी। हमेशा फोन करते हैं। कौन है? पैसे मांगने वाले। क्या इतना केयरलेस रहता है, सीधा बात करके पैसे दे देना। ये इतना आसान लगता है क्या? पागल। ए, क्या हो गया? यहां पे ध्यान नहीं है, रोड देखते आ रही है। ए, क्या कर रही है? तेरा जो ये 2 महीने से लव चल रहा था ना, ये जो अभी थप्पड़ पड़ा है ना, अब उसे समझ में आ गया होगा। हाँ। ए बारे, इधर आ, इधर आ। क्या भाई, कैसा है? हाँ, एकदम बढ़िया हूँ, ये मेरा दोस्त शेर सिंह है। ऐसा क्या? नमस्ते बॉस। नमस्ते। अच्छा आजकल क्या कर रहे हो? हमेशा के जैसा, छोटा काम छोटे पैसे। भाई अपने पास बड़ा काम है और बड़ा फायदा भी, करोगे क्या? अरे जा बे, तू तो अपना काम पहले से जानता है रे।
ए, कैसा काम है? ए, इधर आ। सुन, तू ये डिटेल क्यों पूछ रहा है? ये तो अपने बॉस को पूछना चाहिए ना। अबे बोलूंगा तो वो सुन लेगा क्या? अरे पर अबे ए, मैं आगे जाऊंगा तो तू मेरे पीछे आएगा ही ना। किसके लिए? अबे सुन, आज के बाद मैं जो बोलूंगा ना तू वही सुनेगा। अरे भाई कौन है वो पार्टी?